अगर आपको अंडा करी खाना पसंद है और बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है तो आप आज की ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम सामान में और कम समय में अंडा करी कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बर्तन में हम अंडा बॉईल करेंगे। उस तो बर्तन में मैंने पानी रख दिया है। अब उसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे और अंडा को एक एक करके हम इसमें डाल देंगे और अंडा को बॉईल करेंगे। नमक डालने से कभी भी बॉईल करते समय अंडा टूटता नहीं है, तो आप इसलिए अंडा में नमक डालकर ही तब बॉईल कीजिएगा तो अंडा कभी नहीं टूटेगा। तो अंडा बॉईल हो चुका है, अब गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ। अब हम गैस पे एक कढ़ाई रख देंगे और उसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप नॉनवेज अगर सरसों तेल में बनाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो मैंने 3 बड़े चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। अब और अंडे को मैंने पहले से छील के उसमें कट्स लगा के रख दिए थे, तो एक एक करके मैं इसमें अंडा को रख डाल के और इसे फ्राई कर लूँगी। तो मैं एक ही साथ सभी अंडे को फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 या 3 एक साथ फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने टोटल 7 अंडे लिए हैं और मैं सबको एक ही साथ फ्राई कर ले रही हूँ। तो अंडा फ्राई करते समय आप ध्यान दीजिएगा, अंडा कभी कभी चटकने लगता है, तो इसलिए आप ध्यान से इसे फ्राई करें। और अंडा में अच्छा कलर लाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इन दोनों को डाल के और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे अंडा का कलर बहुत ही प्यारा आ जाता है, और जब अंडा करी बनाएंगे ना तो उसमें भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसलिए आप हल्दी और लाल मिर्च डालकर ही फ्राई कीजिए। आप चाहे तो सिंपल ही से फ्राई कर सकते हैं। अंडा फ्राई हो रहा है, तब तक हम मसाले देख लेते हैं। ये मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ, अदरक और 2 प्याज और 2 टमाटर लिया है। अदरक लहसुन और प्याज को हम अलग पेस्ट बना लेंगे और टमाटर का पेस्ट हम अलग बना लेंगे। अंडा भी फ्राई हो गया है, अभी से हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल दीदी किचन को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, मैंने अंडा बाहर निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल और डाल देंगे, और तेल के गर्म होते ही हम उसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, 1/2 छोटी चम्मच जीरा और कुछ खड़ा गरम मसाले, लौंग, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी काली मिर्च। इन सब को डाल के हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद मैंने ये लहसुन, अदरक और प्याज का जो पेस्ट बनाया है उसे भी हम इसमें डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर हल्का चेंज नहीं हो जाए। ये देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, आपको तीखा जैसा पसंद है, और ये मैंने 1 बड़े चम्मच जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाला है, और 1.5 बड़े चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च डाला है इसमें। इन सब को डाल के हम अच्छे से इसे मसाले को भूनेंगे। ये देखिए, मसाले को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक के तेल सेपरेट होने तक इसे भूनेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा साइड से तेल दिख रहा है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ टमाटर। टमाटर को मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, मैं इसे ग्रेट कर ली थी, और स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने 2 छोटे चम्मच नमक डाला है इसमें। नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा कम यूज कर रही हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। और हम मसाले को अच्छे से मिक्स करके
और इसे हम ढक के मसाले को भूनेंगे। इससे टमाटर भी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और ये देखिए मसाला अच्छे से भुना गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मटन मसाला या चिकन मसाला, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, इसमें हम डाल देंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें गरम पानी। गरम पानी डालने से मसालों का कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं इसमें गरम पानी यूज कर रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको जैसा ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ अंडा। तो मैंने सभी अंडे इसमें डाल दिए हैं। अब हम ढक के 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और ये देखिए सुपर टेस्टी अंडा करी बनकर तैयार हो गया है। आप भी एक बार इस तरीके से अंडा करी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके और आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगा। तो और ये देखिए ग्रेवी भी कितना अच्छा बना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, एकदम परफेक्ट है। तो आप इस तरह से अंडा करी बनाइए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका अंडा करी कैसा बना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।